नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं शुभम आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ में। जी हाँ दोस्तों, आज मेरे पास में हॉर्नेट 2.0 वर्जन आ चुका है और मैं आज इसका करने वाला हूँ कंप्लीट डिटेल वॉक अराउंड वीडियो। इसके मैं स्पेसिफिकेशन, इसके फीचर्स और इसके कंपनी ने क्या प्राइस रखी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो शुरुआत करता हूं मैं सबसे पहले इसके फ्रंट पोर्शन से। फ्रंट पोर्शन पे आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको जो हेडलैम्प मिलता है वो फुली एलईडी मिल जाती है। यहां पर कंपनी ने इस पूरी ही बाइक में, अगर मैं बात करूं, तो कहीं पर भी नॉर्मल बल्ब नहीं यूज किया है। ये यहां पर देखेंगे तो जैसे ही आप इग्निशन को ऑन करते हैं तो यहाँ नीचे वाला जो पोर्शन है, नीचे की तरफ में यहाँ पर एलईडी लाइट ऑन हो जाती है। और ये यहाँ पर आप लुक देख रहे हैं तो काफी अग्रेसिव यहाँ पर सामने से नजर आता है। और जो होंडा का टच है वो आपको यहाँ पर इसके फ्रंट पे देखने को मिल जाता है। यहाँ ऊपर की तरफ में नजर आएगा आपको होंडा की बैजिंग, ये यहाँ पर कंपनी ने दी है। नॉर्मल स्टिकर यूज किया है, कोई 3D में बैजिंग नहीं दी है। और ये पूरा यहाँ पर ब्लैक फिनिश्ड देखने को मिल जाता है। फ्रंट की हेड की मैं बात करूँ तो हेड काफी बड़ा कंपनी ने डिजाइन किया है। ये यहाँ पर टर्न सिग्नल लैंप देख रहे हैं आपको, यहाँ पर फुली LED आ जाता है। तो ये यहाँ पर कंपनी ने नया फीचर लेकर आ चुकी है और बहुत कम 200cc की बाइक में आपको ये फीचर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर होंडा की हॉर्नेट 2.0 में ये फीचर आ चुका है और काफी शार्प ये डिजाइन देखने को मिल जाती है। और ये कंप्लीट यहाँ पर LED आ चुकी है। इसके बाद में मैं बात करता हूँ इसके फोर्क की। यहाँ पर USD फोर्क देखने को मिल जाते हैं, यानी अपसाइड डाउन सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। तो ये हर एक कंडीशन के हिसाब से कंपनी ने इसको डिजाइन किया है। वहीं फ्रंट फेंडर देखेंगे तो फ्रंट फेंडर काफी चौड़ा सा डिजाइन किया है और थोड़े से यहाँ पर कट्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे ये थोड़ा सा ग्लोसी ब्लैक रखा है। फ्रंट टायर कंपनी ने ठीक ठाक चौड़ा दिया है। यहाँ पर MRF का टायर आ जाता है 110/70 सेक्शन का, 17 inches का। तो आप ये टायर यहाँ पर देखेंगे तो टायर भी काफी चौड़ा मिल जाता है, ग्रिप अच्छी मिलेगी। इसके साथ में यहाँ पर कंपनी MRF का टायर देती है। और ये आप यहाँ पर प्लेट देख रहे हैं तो ये सिंगल चैनल ABS के साथ में आती है। ये यहाँ पर 276mm की डिस्प्लेट मिल जाती है। तो ये अगर फ्रंट पोर्शन आप देखेंगे तो काफी अग्रेसिव बाइक नजर आएगी और काफी अट्रैक्टिव लुक सामने से नजर आता है। और स्पेशली जो है यहाँ पर जो इसके टर्न सिग्नल लैंप दिए हैं वो कुछ ज्यादा ही आपको अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर शार्प डिजाइन देखने को मिल जाती है। और ये हल्के यहाँ पर फ्लेक्सिबल कंपनी ने इसके टर्न सिग्नल लैंप रखे हैं ताकि जो है छोटे मोटे झटके पे ये टूटे ना। फ्यूल टैंक पे आप नजर डालेंगे तो फ्यूल टैंक काफी मस्कुलर यहाँ पर कंपनी ने डिजाइन किया है। इसकी कैपेसिटी यहाँ पर रखी है 12 लीटर की। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये मैट फिनिश में भी इसका फाइबर देखने को मिलेगा, कुछ ग्लॉसी कलर में भी कंपनी ने रखा है और ऊपर की तरफ में हल्का कार्बन फिनिश टच दिया है। तो आपको ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन मिल जाता है डिफरेंट फाइबर का। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ में देखेंगे कुछ रफ सी डिजाइन कंपनी ने रखी है और यहाँ पर होंडा का लोगो भी देखने को मिल जाता है। और एक चीज आप यहाँ पर नजर डालेंगे तो इसके फ्यूल टैंक के पास में ही कंपनी ने इग्निशन को इंस्टॉल कर रखा है। यहाँ पर मुझे की थोड़ी सी अट्रैक्टिव नहीं लगी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कंपनी ने कुछ अलग करने की कोशिश की है, इसलिए यहाँ पर इग्निशन जो है इसके फ्यूल टैंक पे ही इंस्टॉल कंपनी ने कर दिया है। फ्यूल टैंक कॉवल आप देखेंगे तो ये कुछ डिजाइनर सा देखने को मिल जाता है, डिफरेंट कट्स यहाँ पर दिए गए हैं। और इसी टैंक कॉवल के ऊपर ही यहाँ पर होंडा की बैजिंग देखने को मिल जाती है, जो कि 3D में आ जाती है और ये क्रोम फिनिश्ड कंपनी ने रखा है। नीचे की तरफ आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने ग्राफिक्स दे दी हैं, ग्राफिक्स के ऊपर भी आपको डिफरेंट कट्स देखने को मिल जाते हैं। वहीं टैंक पर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर हॉर्नेट की एक बड़ी सी बैजिंग देखने को मिल जाती है और इसके बैक पोर्शन पे यहाँ पर ग्लोसी फाइबर कंपनी ने यूज किया तो शाइनिंग करता हुआ नजर आता है। और ये हॉर्नेट की जो बैजिंग दी है ये काफी बड़ी आपको देखने को मिल जाती है। वहीं यहाँ पर जो ग्राफिक्स वगैरह दिए गए ये कुछ अलग कंपनी ने यूज किए, कुछ रेसिंग DNA यहाँ पर देने की कोशिश की। वहीं जब आप साइड पैनल्स पे नजर डालेंगे तो ये यहाँ पर ब्लैक फाइबर कंपनी ने यूज किया, कुछ ये आपको डिजाइनर से देखने को मिलेगा। और यहाँ पर साइड में 2.0 की बैजिंग दे दी है। तो जैसा कि ये दूसरा वर्जन आ जाता है तो कंपनी ने यहाँ पर 2.0 की दी है, हालांकि जब पहले इसमें 160 में आती थी, अब इसमें कंपनी ने 200 के सेगमेंट में इसको लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आपको 2.0 देखने को मिल जाता है। वहीं आप सीट कवर पे नजर डालेंगे तो ये शाइनिंग करता हुआ नजर आएगा और ये कुछ ग्लोसी रखा गया है। और जब इस पे लाइट पड़ती है तो कुछ अलग कलर में ये रिफ्लेक्ट करता नजर आता है। तो यहाँ पर क्या है कि दो चीजों को कॉम्बिनेशन मिल जाता है, एक तो यहाँ पर कंपनी ने मैट फाइबर रखा है, दूसरा रखा है ग्लोसी में। पिलियन गैबरेल पे आप नजर डालेंगे तो काफी अट्रैक्टिव यहाँ पर कंपनी ने डिजाइन किया है, बहुत ही आसानी से आप पकड़ सकते हैं, अच्छी ग्रिप मिलेगी। जो स्प्लिट सीट में जो टच देखने को मिलता है पिलियन गैबरेल में, वैसा कुछ यहाँ पर कंपनी ने दिया है। सीट आप यहाँ पर देखेंगे तो इसको स्प्लिट सीट रखी है कंपनी ने, तो सीट पे कंपनी ने काम किया है। और यहाँ पर ये देखेंगे जो राइडर के लिए सीट है ये आपको वाइड मिल
जाती है और लंबी भी मिल जाती है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं कह सकता लेकिन ठीक ठाक लंबी यहाँ मिल जाती है। कुशन क्वालिटी भी इसकी सॉफ्ट रखी है, बहुत ज़्यादा हार्ड आपको यहाँ पर इसकी कुशन क्वालिटी नहीं मिलती है। वहीं जब आप पिलियन की सीट पर नज़र डालेंगे तो पिलियन की सीट आपको नॉर्मल मिल जाती है, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लेडीज़ बहुत आराम से बैठ सकती हैं। लेकिन हाँ, अगर इस पर जेंट्स बैठेंगे तो ये हम ये कह सकते हैं कि जेंट्स के लिए ये परफेक्ट सीट कंपनी ने डिज़ाइन की है। एग्जॉस्ट पे आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर एग्जॉस्ट काफ़ी छोटा कंपनी ने डिज़ाइन किया है, और जो कि इस अमूमन जो प्रीमियम सेगमेंट्स की बाइक होती है उसमें देखने को मिलता है, लोग बहुत बड़ा नहीं पसंद करते हैं, तो कंपनी ने उस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखा है और यहाँ पर हॉर्नेट 2.0 में ये छोटा साइलेंसर यहाँ पर कंपनी ने दिया है और काफ़ी देखने में अट्रैक्टिव भी लगता है। इसके ऊपर यहाँ पर ये जो कंपनी ने कवर दिया है ये भी कंपनी ने यहाँ पर मेटल का दिया है। रियर ब्रेक यहाँ पर 220mm की दी गई है और यहाँ पर डिस्प्लेट आ जाती है, यानी डिस्क मिल जाती है, तो ये सिंगल चैनल ABS के साथ में आती है। रियर टायर काफ़ी ब्रॉड मिल जाता है, 140x70 सेक्शन का 17 इंचेस का यहाँ पर रियर टायर दिया गया है। अगर इस बाइक के मैं इंजन की बात करूँ तो यहाँ पर दिया गया है 184.4 cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक इंजन, जो कि पावर जनरेट करता है 17.26 PS की, और यहाँ पर टॉर्क मिल जाता है 16.1 Nm का। ये बाइक 5 गियर के साथ में आ जाती है। इसके इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इंजन गार्ड भी दिया गया है। इसको 3 पोर्शन में कंपनी ने डिवाइड कर रखा है। लेफ्ट और राइट पोर्शन जो आपको देखने को मिलेगा ये यहाँ ये ग्लॉसी कलर में देखने को मिल जाता है, मतलब ये शाइन करता हुआ नज़र आता है, और जो बीच का यहाँ पर गार्ड है जो कि मिडिल पोर्शन है इसको कंपनी ने यहाँ पर मैट फिनिश रखा है, और हल्का बीच में यहाँ पर डिज़ाइन भी देखने को मिल जाती है ताकि एयर अंदर की तरफ पास होती रहे। सिंगल पाइप हैंडल आ जाता है, यहाँ पर कंपनी अगर क्लिप ऑन हैंडल देती तो काफ़ी बेहतर हो जाता, और यहाँ पर आप देखेंगे तो हैंडल को कंपनी ने थोड़ा सा ऊपर की तरफ में भी इंस्टॉल्ड इसको किया है, तो ये जो यहाँ बेस प्लेट आ जाती है बेस प्लेट से ऊपर की तरफ में रखा है ताकि जो है कम हाइट वाले भी अगर इसको चलाते हैं तो ईजिली इसकी हैंडलिंग रहे। और यहाँ पर आप ये देखेंगे जो हैंडल का कलर रखा गया ये कुछ सिल्वर कलर में आपको ये देखने को मिल जाता है। वहीं इसका आप ग्रिप देखेंगे तो हैंडल ग्रिप भी अच्छी मिल जाती है और चौड़ा हैंडल यहाँ पर रखा गया है। इसके यहाँ अगर मैं स्विचेस की बात करूँ तो यहाँ पर लो बीम हाई बीम का यहाँ पर स्विच देखने को मिल जाता है, और ये टर्न सिग्नल लैंप का यहाँ स्विच दिया गया है, और नीचे की तरफ में यहाँ पर हॉर्न का स्विच मिल जाता है। राइट साइड पर स्विच पर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर इंजन किल स्विच का दिया गया है, मतलब इसी से आप इंजन ऑफ कर सकते हैं और इंजन ऑन कर सकते हैं। और ये नीचे यहाँ पर एक अट्रैक्टिव फीचर आ जाता है, मतलब यहाँ पर हजार्ड लैंप का एक फीचर मिल जाता है, यानी चारों इंडिकेटर आप यहाँ इसको ऑन कर सकते हैं राइड करते वक्त, तो ये यहाँ पर अलग फीचर कंपनी ने दिया जो कि यूथ काफ़ी ज़्यादा डिमांड करता है। और नीचे की तरफ में यहाँ पर सेल्फ का स्विच मिल जाता है जो कि काफ़ी सॉफ्ट यहाँ पर स्विच आ जाता है। इसका मिरर तो काफ़ी विजिबल हो जाता है, लेकिन इसमें जो डिज़ाइन है वही पुराना जो होंडा का टच है वही आपको देखने को मिलता है, यानी आप मिरर देखेंगे तो कुछ वैसे ही आपको देखने में लगेंगे। तो यहाँ पर मिरर पर कंपनी थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर सकती थी, लेकिन क्या है कि कंपनी जो अपनी नॉर्मल बाइक्स में मिरर देती है वैसे ही यहाँ पर कंपनी ने मिरर को डिज़ाइन किया है। कंसोल पैनल यहाँ पर फुली डिजिटल आपको मिल जाता है, यहाँ पर जैसे ही आप ऑन करते हैं तो ये देखेंगे काफ़ी विजिबल यहाँ पर इसके फॉन्ट आ जाते हैं जो कि लिक्विड क्रिस्टल मीटर यहाँ पर कंपनी इसको बुलाती है, तो ये फुली डिजिटल मिल जाता है। 5 लेवल यहाँ पर इल्यूमिनेशन कंट्रोल भी दिया गया है। यहाँ ऊपर की तरफ टैकोमीटर मिल जाता है, यहाँ स्पीडोमीटर आ जाता है, और यहाँ टाइम आ रहा है ये ऑडोमीटर आ जाता है, यहाँ पर गियर इंडिकेटर दिया गया है, और यहाँ पर ये फ्यूल गेज दिया गया है। इसके साथ में यहाँ पर ट्रिप ए ट्रिप बी और ये देखने को मिल जाता है, साथ में यहाँ पर बैटरी की पावर यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो कंसोल पैनल आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो जाता है। इसके लेफ्ट और राइट साइड पे यहाँ पर लाइट्स दी गई हैं, मतलब जो ब्लिंकर्स हैं जो टर्न सिग्नल लैंप है उसकी लाइट नज़र आती है। नीचे की तरफ में यहाँ पर हाई बीम की लाइट मिल जाती है, ABS की लाइट है, और न्यूट्रल की लाइट दी गई है, और इधर यहाँ पर इंजन मल फंक्शन की लाइट देखने को मिल जाती है। टेल लैंप यहाँ पर आपको फुली LED मिल जाती है, काफ़ी शार्प डिज़ाइन रखी गई है, यहाँ कुछ X शेप में आपको इसकी डिज़ाइन नज़र आती है। फुली LED मिलेगी और काफ़ी बड़ी आपको देखने में ये लगती है, और काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करती हुई पीछे से नज़र आती है। जिस हिसाब से इसका बैक पोर्शन है उस हिसाब से ही कंपनी ने यहाँ पर इसकी टेल लैंप को डिज़ाइन किया है। रियर फेंडर पे आप नज़र डालेंगे तो ऊपर की तरफ में यहाँ पर होंडा की बैजिंग देखने को मिल जाती है, और इसके रियर फेंडर पे डिफरेंट कट्स देखने को मिल जाते हैं। अमूमन क्या है कंपनियाँ नॉर्मल रियर फेंडर देती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको ढेर सारे कट्स और डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आप बैक साइड से नज़र डालेंगे इसके रियर टायर पर तो रियर टायर काफ़ी ज़्यादा वाइड दिया गया है, क्योंकि MRF कहा जाता है, दूर से देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव ये बाइक लगती है।
अब बात आती है इसका प्राइस कितना रखा है कंपनी ने, तो इसका कंपनी ने प्राइस रखा है 1,48,754 रुपये लखनऊ उत्तर प्रदेश का। जी हाँ, 1,48,754 रुपीज ऑन रोड प्राइस आ जाता है उत्तर प्रदेश लखनऊ का। तो आइए दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को कर सकते हैं लाइक, और चैनल पर पहली बार है चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ब्लॉगर शो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।